देखिए कल तो आप लोग रिजल्ट देखे ये बीपीएससी का है ना, आप लोग भी मेहनत करें अभी से ही, जिससे आप लोग अच्छा से सफल हो जाइएगा। देखिए अभी बच्चा आप लोग एनडीए का एग्जाम देकर के आए, कोई बच्चा देकर के आए, उसमें आप लोग जब क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पूरा मैच किया होगा, जितना पढ़ाए हैं उतने में से जो चैप्टर से, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लिया जाए, मान लीजिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो जो पढ़ाए हैं उसमें से पूरा आया कि नहीं आया ना एनडीए में, तो आप लोग भी आगे चल के और अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। इस बार तो कुछ बच्चे देने के लिए ट्रायल के लिए गए थे, आगे आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि वो अच्छा से निकल जाए और उसका इंटरव्यू निकालने का पूरा प्रयास कीजिए, राइट। तो अगला बार जोर दीजिए, क्योंकि बच्चा अगर रिजल्ट देता है तो पता चलता है ना कि कितना टीचर में काबिलियत है, शिक्षक जितना बताए हैं जितना पढ़ाए हैं अगर उतना करके जाता है बच्चा, कुछ अपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ अपने भी मेहनत होती है, तो बच्चा अच्छा कर पाता है कि नहीं है, तो आप लोग भी अच्छा करने का पूरा प्रयास कीजिए। और कुछ वैसा भी देखा गया है कि जो क्वेश्चन आता है या बोर्ड में या कंपटीशन में हार्ड नहीं रहता है, ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है कि थोड़ा सा कठिनाई में डाल देता है बच्चा लोग को, लेकिन उसके लिए समय बहुत ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाते ही करवाते हैं। तो आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पार्टीशियन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब समझिएगा, पार्टीशियन का मतलब क्या होता है, अगर दो इवेंट है, मतलब पार्टीशन का मतलब मान लिया जाए कि एक रोटी है, पार्टीशन का मतलब पार्ट अलग अलग टुकड़ा जिसको बोलते हैं, एक रोटी है उसको 10 टुकड़ा में बांट दिया जाए तो 10 टुकड़ा किसका पार्ट हुआ, रोटी का पार्ट हुआ। तो रोटी एक इवेंट है लेकिन वो पार्टीशन इवेंट है। अब पार्टीशियन इवेंट को कितना भाग में बांटा गया है, रोटी के अकॉर्डिंग 10 भाग में है, तो 10 छोटा छोटा जो भाग होगा वह होगा पार्टीशियन ऑफ सेक, वो क्या होगा पार्टीशियन ऑफ सेक हो, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेक। कौन से बोलते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेक, डिसजॉइंट ऑफ सेक इसी में आ जाता है, और इसी में आ जाता है एग्जेस्टिव केस भी, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जेस्टिव केस। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब टोटल इवेंट अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब डिसजॉइंट इवेंट के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, या दूसरा में कि अगर टोटल इवेंट जितना भी इवेंट है वह इवेंट एग्जिस्टिव केस को फॉलो कर रहा है। एग्जिस्टिव केस का कंडीशन बताए थे ना, सभी इवेंट का यूनियन सिंपल स्पेस के बराबर आता है, सभी इवेंट का यूनियन किसके बराबर आता है, सिंपल स्पेस के बराबर आता है, तो एग्जिस्टिव केस कहलाता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर इंटरसेक्शन का वैल्यू फाई के बराबर आए, मतलब इम्पटी के बराबर आ जाए, डिसजॉइंट के बराबर आ जाए, तो ऐसे हालत में उसको हम लोग कौन चीज बोलेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। जैसे देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, No.
क्या जी? ये देखिए इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, क्या ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? आई। तो यहां पर ए एंड बी आर क्या हो जाएगा? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये क्या हो जाएगा? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्जॉइंट। अगर इंटरसेक्शन का वैल्यू फाइव आ जाता है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या फिर डिस्जॉइंट। और एग्जिस्टिव का केस बताए होंगे, एग्जिस्टिव का केस बताए होंगे, अगर देखिए ये ए इवेंट है और ये क्यों इवेंट है और ये टोटल ये सिंपल स्पेस है, और अगर ए यूनियन बी बराबर किसके बराबर चलाएगा? सिंपल स्पेस के बराबर अगर चला तो ए एंड बी आर एग्जिस्टिव केस, ए एंड बी आर एग्जिस्टिव केस होता है। देखिए ये सब अगर आप लोग अच्छा से सीखे हुए रहिएगा तो आपको पार्टीशियन थ्योरम यानी बेज थ्योरम आप लोग को समझ में आएगा, और क्लास ट्वेल्थ में प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक यही है, राइट ना? आप लोग तो फीस सब जगह देते हैं, हमको भी देते हैं, इसमें तो नो डाउट, जो बच्चे नहीं दिए देंगे ही देंगे, लेकिन जहां जहां दिए हैं वहां इलेवेंथ कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप लोग को तो अच्छा से पता है, राइट ना? तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। हम ट्वेल्थ में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए, इलेवेंथ से स्टार्ट किया ना, आप लोग इलेवेंथ खत्म किया था ना, ट्वेल्थ में पढ़ाया, उसी के हिसाब से लेके ट्वेल्थ का लास्ट टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना आप लोग को, पी ए बटा बी करो, वो सबसे ज्यादा आता है और वही सबसे ज्यादा कंपटीशन में भी आता है। आप एनडीए वाला भी एग्जाम देखिए, एयरफोर्स नेवी वाला भी देखिएगा, तो सबसे ज्यादा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आता है और इलेवेंथ वाला से आता है, और इससे भी आता है, बेज थ्योरम से भी आता है। बेज थ्योरम हो गया, पार्टीशियन ऑफ थ्योरम हो गया, तो पार्टीशियन ऑफ थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का कंडीशन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा? फाइव। फाइव का मतलब समझते हैं, इम्पटी, मतलब उसमें कॉमन वोमन नहीं। और उसके बाद एग्जिस्टिव का केस क्या होता है? एग्जिस्टिव का केस होता है ए यूनियन बी बराबर कितना के बराबर? सिंपल स्पेस के बराबर। कोई दिक्कत है यहां तक? देख यह एक सिंपल स्पेस है, ये क्या चीज है?
और ये देखिए इवेंट, ये इवेंट का नाम दे रहे हैं ए। इसके अंदर में इवेंट एक प्रकार का सेट होता है, और सेट का अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसको क्लोज फिगर में बनाना चाहिए। कोई भी क्लोज फिगर, कुछ जरूरी नहीं, जैसे हम आप लोग को बताए थे ना कि इसको भी क्लोज फिगर बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलवेज कौन फिगर होना चाहिए, क्लोज फिगर। तो ये ऊपर सिंपल स्पेस रेक्टेंगल बना दिए हैं, उसके बाद जो ये जो इवेंट है इसका नाम क्या दे दिए, और इस इवेंट को छोटा छोटा पार्ट में बांटा गया है। देखिए A1, A2, A3 से लेकर के कहां तक, An तक बांटा गया है। A1, A2, A3 से लेकर के An तक बांटा गया है, किस इवेंट को। अभी रोटी वाला एग्जांपल दिए ना, एकदम सेम है। ये जो ए था इवेंट था, क्या था, और ये इवेंट को छोटा छोटा पार्ट में कहां तक बांटा गया है, एन टाइम्स तक, एन टर्न तक बांटा गया है। और इसका दो इवेंट के बीच में अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, फाई आ रहा है, इम्पटी आ रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों में कॉमन कब आता है। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये दोनों में कॉमन कितना हो गया, लेकिन ये दोनों में A1 और A2 में कहीं कॉमन नजर आ रहा है नहीं ना। तो यहाँ पर ये जो A का छोटा छोटा जो पार्ट वाला इवेंट है वह है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव। क्या क्या है, मतलब A1, A2, A3 से लेकर के An जो है ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है और एडजस्टिव भी है। और इवेंट कौन इवेंट का है, ए इवेंट का A1, A2, A3 से लेकर के An आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर लॉ और टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर पार्टीशन, मतलब अगर यदि ए एक इवेंट हो इस प्रकार के हो कि A1, A2 से लेकर के An आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्या चीज हो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, एंड A1, A2, A3 से लेकर के An आर एडजस्टिव, देन इन फॉर्म, तो इसी फॉर्म को हम लोग या इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टीशियन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पार्टीशियन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब बोलिएगा, जब अगर जितना भी इवेंट हो अगर उस इवेंट का इंटरसेक्शन फाई हो और उस इवेंट का यूनियन गिवन इवेंट या सिंपल स्पेस के बराबर हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ सेट को लिखकर। जैसे देखिए इफ ए बी डी नॉन इम्पटी इवेंट्स, एंड एस इज ए सिंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट यहां पर देखिए A1 इंटरसेक्शन A2 से लेकर के इंटरसेक्शन An बराबर क्या चीज है, फाई है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं A1, A2 से लेकर के An आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव।
कौन एक्सक्लूसिव? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जेस्टिव। Then in form is called partition theorem of probability। इसका पहले डाटा समझिएगा, जैसे कंडीशन अगर इसका मतलब कि पार्टीशियन ऑफ इवेंट का जो होता है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 से लेकर के इंटरसेक्शन AN बराबर क्या होता है? फाई होता है। कितना के बराबर होता है? फाई के बराबर होता है। और यहां पर देखिए AI और इंटरसेक्शन AJ, मतलब I और J कभी भी बराबर नहीं होगा। इक्वल टू फाई उस समय जिस समय आई डज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई और जे बराबर नहीं होता, जैसे कि यहां पर आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू कितना? 2, तो दोनों के बीच इंटरसेक्शन फाई आया कि नहीं? समझ रहे हैं ना? जब दो इवेंट अलग अलग हो, और जब सेम रहेगा तो उसका कॉमन तो वही ना होगा। अगर दो इवेंट अलग अलग हो, अगर उसका इंटरसेक्शन का वैल्यू अगर फाई चलाता है तो इसको हम लोग कौन केस बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और अगर देखिए A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेकर के यूनियन AN बराबर अगर A चलाता है तो इसको हम लोग कौन केस बोलेंगे? और इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर देखिए एक बात उत्पन्न हुआ, और बात ये हुआ कि अगर पार्टीशन ऑफ इवेंट के बारे में बताना है तो पार्टीशन ऑफ इवेंट के बारे में बताना है तो वह इवेंट क्या क्या हो सकता है? वह इवेंट होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव। कोई दिक्कत यहां तक? लिखिए